स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए मित्र, बिना किसी देरी के आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को रखते हैं। आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएं। इसमें जीके और साइंस दोनों एक में ही सम्मिलित है। चलिए मित्र, शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है कि कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी। कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी, ये क्वेश्चन आपको बताना है। सही आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौशल जनपद की राजधानी जो है ये श्रावस्ती में थी। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये 1336 में हुई थी। कब हुई थी, 1336 में। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा एक थे हरिहर और एक थे बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई मिल करके गाइस साम्राज्य की स्थापना की थी विजयनगर की, ठीक है। कब, 1336 में। अगला सवाल है आपके सामने कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। आपको बताना है कि फहियान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आए थे। अब आप इसको जानते ही हैं कि फहियान जो है ये एक चीनी यात्री था और ये किसके समय में भारत आया था। मेरे प्यारे भाई, ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र, यहाँ पे ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित की गई थी, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखो, मेहनत, जी जान, शिद्दत, जो कुछ भी है हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, वह लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए, वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। प्रथम जैन महासभा जो है ये कहाँ आयोजित की गई थी, इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, कहाँ पे आयोजित की गई थी, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन महासभा जो है यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, बीरबल, बैजू बावरा, टोडरमल तो संबंधित थे, लेकिन रहीम इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र, यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, सही आंसर हो जाएगा 1915 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1915। जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट होगा। दांडी यात्रा से संबंधित नवसारी जिला किस राज्य में है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, नवसारी जिला जो है किस राज्य में है, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गुजरात में। जो भी यहाँ पे बता रहे हैं, गुजरात, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन कब हुआ था। मेरे प्यारे भाई, इसका आयोजन जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, ये 1930-31 में हुआ था। राइट होगा आपका ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। आपको बताना है कि काकोरी कांड से संबंधित इसमें कौन नहीं थे, क्वेश्चन नंबर 9 है।
देखिए काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे ये पूछा जा रहा है। देखिए गाइस राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और अशफाक उल्ला खां इससे संबंधित थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई कौन नहीं थे ये पूछा जा रहा है। राइट होगा आपका सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, सूर्य सेन बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल है कि सेंट्रल असेंबली में निम्न में से किसने बम फेंका था। देखिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले थे, एक थे भगत सिंह और दूसरे थे बटू केसर दत्तवा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक और तीन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, एक और तीन, भगत सिंह और बटू केसर दत्तवा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख प्रसिद्ध है, मैंगनीज के लिए कोरापुट, कोयला के लिए सिंगरैनी, तांबा के लिए खेत्री नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल तो बताने से पहले आपको बता देगा इसकी आप सभी के लिए 5000 क्वेश्चंस की बुक लॉन्च की गई है, मात्र 39 रुपये में है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इस ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मात्र 39 रुपये में 60% डिस्काउंट के साथ इसे परचेज़ कर सकते हैं। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टडी, जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो UPI ID PoojaBCIT05@OKSBI पे आपको मात्र 39 रुपये पेमेंट करके इसको परचेज कर लेना है। व्हाट्सएप नंबर है 8948667652, यहाँ पे व्हाट्सएप करके भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसी बुक को परचेज कर लेते हैं गाइज तो आपका GK का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और इस ई बुक में आपके UP पुलिस रेडियो ऑपरेटर कॉन्स्टेबल को टारगेट करते हुए तैयार किया गया है। इमेज एंड कलरफुल है ई बुक, 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, 60% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कि कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ है। बताएंगे कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे भाई देखिए कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जो है कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला सवाल है आपके सामने, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हैं वह हैं। सेतु समुद्रम परियोजना जो है या किन्हें जोड़ती है। देखिए मेरे प्यारे भाई सेतु समुद्रम परियोजना जो है ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सही होगा सूर्य तपन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे सूर्य तपन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है, सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा केरल में। केरल में जन्म दर जो है ये सबसे कम है। अब मेरे प्यारे भाई जन्म दर सबसे कम है और केरल में साक्षरता जो है ये सबसे ज़्यादा है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा केरल, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, GST के तहत कितने लाख वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को कर के दायरे से बाहर रखा गया है। मिनिमम 40 लाख, सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन नंबर एक है, कथन नंबर दो है, इसको मिलान करके गाइस आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। पहला देखिए, उत्तर प्रदेश में भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम वर्ष 2008-09 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। यह विश्व बैंक सहायता से प्रारंभ की गई योजना है, गलत। ये भू अभिलेख आधुनिकीकरण है तो ये विश्व बैंक से कहाँ आ जाएगा। राइट होगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे सही होगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है।
देखिए मित्र, अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से क्लास करवा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सी लो कर सकते हैं, वरना मैं बहुत ही अच्छे से गाइस क्लास करवाता हूँ, आप भी जानते हैं। हमारा एक ही मकसद होता है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट देना, तो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस करवाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, या एक तरीके से कहा जाए मेरा ये टारगेट होता है। और आप भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दिया करें, ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएँ, ठीक है। मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो मित्र, आपके मेहनत आपके जीजान शिद्दत के साथ जो आप लाइक करते हो, आप दिल की गहराई से जो मुझे सपोर्ट करते हो, उतना ही काफ़ी होता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद। अगला सवाल है आपके सामने, सीड्स कृषि योग्य भूमि धारक देशों में भारत का स्थान क्या है। सीड्स कृषि योग्य भूमि धारक देशों में भारत का स्थान क्या है, सही आंसर हो जाएगा, भारत का जो स्थान है यह है दूसरा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी। जो गाइस ट्राइफेड है, इसकी स्थापना कब की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइफेड की स्थापना जो है ये हुई थी 1987 में, यानी कि 1987 में, सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, राइट होगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है, इसे 43वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा गलत, कर्तव्य द्वारा मौलिक अधिकार जोड़ा गया, ये पहला ही गलत है, ठीक है। तो दूसरा ही गलत है, आप जानते ही है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूर्ववर्ती USSR के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, सभी जानते हैं इसकी 43वां नहीं है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, राइट होगा आपका, वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, 22 जुलाई 1947, राइट क्या हो जाएगा आपका, 22 जुलाई 1947। हो सकता है गाइस कि आप तक हो रहा लग रहा होगा कि बहुत खरखर की आवाज़ जा रही होगी, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यहाँ पे आंधी जैसी संभावनाएँ हैं, आंधी चल रही है, तो थोड़ी सी आपके पास खड़खड़ाहट की आवाज़ जा रही होगी, तो इतना मैनेज कर लीजिएगा। फिलहाल मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ, कुछ आवाज़ें तो उड़ जा रही हैं और कुछ आवाज़ें आपके पास पहुँच रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उड़ जा रही है तो मतलब हवा आपके पास लग रही है, बिल्कुल मैं बाहर ही बैठ करके आपकी क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बाहर क्लास लेने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हवा अच्छी खासी लगती रहती है और गाइस नेट की भी समस्या नहीं होती है, इस वजह से बाहर ही मैं आपकी क्लास लेता हूँ, है ना। थोड़ी बहुत खड़खड़ाहट की अगर आवाज़ जा रही है तो इतना मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच, राइट होगा आपका, वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं राइट होगा। केंद्र व राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कितनी सूची का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के शक्तियों जो हैं इनके बंटवारों के बीच 3 सूचियां उल्लेखित हैं। पहली आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी संघ सूची, दूसरी आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी राज्य सूची, और तीसरी आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी समवर्ती सूची। मेरे प्यारे भाई, संघ के अंतर्गत केंद्र का होगा, राज्य के अंतर्गत राज्य की शक्तियों का समावेश किया जाएगा, और समवर्ती के अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों का समावेश होगा, ठीक है। तो कुल कितनी शक्तियों का बंटवारा है, वो हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, राइट होगा अनुच्छेद नंबर 124, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। परम शून्य ताप होता है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। परम शून्य ताप कितना होता है मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, बहुत बढ़िया गजब का आंसर आ रहा है सभी का, 273.15 डिग्री केल्विन। अगला सवाल है आपके सामने, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है,
मेरे प्यारे भाई देखिए समझिएगा, आपसे अगर ये पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और उससे ही फोटोग्राफिक कैमरे का अविदृश्यक भी होता है। तो राइट होगा आपका उत्तल लेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, फोटोग्राफिक कैमरे का अविदृश्यक जो है ये उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, इसका आंसर आपको बताना है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए सामान्य ट्यूबलाइट में जो गैस भरी होती है ये होती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर जो है ये आपकी होती है सामान्य ट्यूबलाइट में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्न में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है इसको होने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा या फिर आयरन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोहा या फिर आयरन का। अगला सवाल है आपके सामने, एंटीबॉडीज का निर्माण जो है ये किस में होता है? देखिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो है ये किस में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट होगा आपका वो हो जाएगा अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? बताइए सही आंसर क्या होगा। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? राइट होगा जोरहाट में। अगला सवाल है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ी सी आज तबीयत जो है ये सही नहीं है, यानी कि थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है, तो इस वजह से बहुत एक्सप्लेन नहीं करने का मन कर रहा है। बहुत जल्दी जल्दी क्लास आपकी करवा रहा हूँ ताकि कम समय में जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, बताइए भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए डूरंड रेखा, तो ये हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य की रेखा। देखिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा जो है ये कौन सी है, तो मेरे प्यारे भाई डूरंड रेखा, डूरंड लाइन है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछा जाए तो भी डूरंड लाइन ही होगा। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो है ये कैसी है, तो ये हो जाएगी मैकमोहन रेखा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को एक बार फिर से बता दें, 5-10+ क्वेश्चंस की ईबुक आप सभी के लिए लॉन्च हो चुकी है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं, 60% डिस्काउंट चल रहा है। इस ईबुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, साइंस के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके और 5000 क्वेश्चंस के साथ ही आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस समय 60% डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है। आप इस ऑफर का फायदा उठा करके मात्र 39 रुपये में इसे खरीद सकते हैं। यह है UPI ID PoojaBCIT05@OKSBI। यहाँ पे आपको मात्र 39 रुपये पेमेंट करके इस ईबुक को परचेज कर लेना है। ये व्हाट्सएप नंबर है 8948667652, इस पर आपको व्हाट्सअप करके अन्य डिटेल्स ले लेनी है, या फिर गाइज आप यहाँ से भी ईबुक को परचेज कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई आपको बता दें कि ये जो ईबुक है ये आपके एग्जाम्स को टारगेट करके तैयार की गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस से रेडियो ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है, तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अगला क्वेश्चन है कि लेसेथो की राजधानी है, लेसेथो की राजधानी, लेसेथो की राजधानी जो हो जाए ये हो जाएगी मसेरू। राइट होगा आपका ए आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी आपका, डी आपका बिल्कुल राइट होगा। लद्दाख जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? अब देखिए, चाहे लोकसभा क्षेत्र कहा जाए या फिर कहा जाए यूनियन टेरिटरीज, या फिर कहा जाए आपसे गाइस की जो यूटी है, या फिर कहा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो ये सब एक ही होता है। लोकसभा क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश सब बात एक ही है, तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा गया है तो वही हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो जो भी यहाँ पे बता रहे हैं 26 नवंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो विश्व बैंक का हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राइट होगा। अगला सवाल है आपके सामने, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? ढाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ढाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है यह है अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं, अजमेर बिल्कुल राइट होगा। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? आगा खां कब जो है ये किस खेल से हैं? देखिए, आगा खां कब जो है ये किस खेल से है? ये है भारत का जो राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल भारत का क्या है? वो है हॉकी। तो हॉकी से संबंधित है, आगा खां कब जो है ये हॉकी से है। अगला है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI के लेखक कौन है? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI के लेखक कौन है? राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा विनोद राय। कौन है? ऑप्शन नंबर बी विनोद राय। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी विनोद राय बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? वो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, जिसमें साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आज रख दिए थे। फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चन आज साइंस के नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गई इच्छा नहीं की टाइप करने की। फिलहाल मैं कल से आपकी अलग से साइंस की क्लासेस लिया करूँगा, ठीक है। और अगर आपको आज की मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन मिले। क्लास को सभी प्यारे भाई बहन तक शेयर कर दीजिएगा। आज की मेहनत कैसी लगी आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए, तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से दर्द के साथ लगे रहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए, सिलेक्शन पे एक सीट कब्जा करने के लिए जी जान से दर्द के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।